अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में कसीर बरकत अता फरमाए। वीडियो शुरू करते हैं और ये आज आपको खूबसूरत सी कुर्ती काट के सिखाने वाला हूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। बाद में आप मैसेज करते हैं, हमें समझ में नहीं आई, ये आस्तीनों का पीस है, ये अलहदा कर लेते हैं हम। और इससे पहले एस के दर्जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया वो भी कर लें। और किस शहर और किस मुल्क से आप वीडियो देखते हैं अपना प्यारा सा एक कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है जी। ये आस्तीनें अलहदा कर रहे हैं हम, यहाँ से ये देख सकते हैं, ये अलहदा करके हमने रख लेनी है। और इसको जो है ना आपने, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, इसको भी आपने अलहदा कर लेना है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से आपने अलहदा कर लें। ये गले का पीस होता है ये वाला, ठीक है जी। अब यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएं, ये वाला हिस्सा जो है ना ये उरेब है, इसको आपने इस तरीके से खींच लेना है ऐसे। अब इसको भी आपने, ये एक साइड वो जैसे उरेब थी ये भी उरेब होगी, तो आपने इस तरीके से इसको भी खींच लेना। और हल्का सा आप इस पे पानी लगा लें, पानी लगाने के बाद आपने इस पे प्रेस करना है ऐसे, आपने ये पानी लगा लेना है। वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूमात मिलेगी, और जो आप छोड़ छोड़ के वीडियो देखने वाले होते हैं ना उसमें मालूमात नहीं मिलती आपको। इसमें आपने ऐसे पानी लगा लेना है, इस पीस को 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ये देखें, इस पे भी आपने पानी लगाना है आस्तीनों पे। ये देखें, ये 5 मिनट के लिए अब इसको आपने ऐसे रख लेना है, जब थैली में पैक करके रख दें, ठीक है जी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब आपको पहले आस्तीनें काट के दिखाने वाले हैं। और ये इस तरीके से आपने ना, ये देखें, इसको आपने ये खींचना है हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद इस तरीके से, ठीक है जी। अब आपने इसको इस तरीके से आपने प्रेस लगानी है, ये इस तरीके से आपने इसको प्रेस लगा लेनी है ऐसे। ये पूरे पीस को आपने ध्यान से प्रेस लगानी है, ये ऐसे, ये ठीक है जी। आप अब आपने क्या करना है, इसको डबल फोल्ड, टू फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ये देखें ऐसे, इस तरीके से ये फूल वगैरह आस्तीनों के ये मिला लेने आपने। इसको आपने फिर डबल फोल्ड कर लेना है। अब ये 4 फोल्ड हो चुके हैं, ठीक है जी, 4। ये देखें जी, इस तरीके से आपने यहाँ से जी, ये आपने हमारा लिंक लगा हुआ है ऊपर YouTube चैनल को, आप सब्सक्राइब लाइक करते जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। ये देखें, यहाँ से आपने ये आस्तीनें हैं, आप अपने हिसाब से आस्तीनों की लेंथ रखेंगे। बरहर यहाँ पर ये लेंथ रखनी है हमने 17 इंच की, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये हिस्सा रखना होता है 5 इंच, ठीक है जी। अब यहाँ से आर मोल का निशान लगा रहे हैं हम 8 इंच पे, ये वाला हिस्सा, ठीक है जी। अब आपने यहाँ से 6 इंच रखना है, 6 इंच रखने के बाद आपने यहाँ से ये वाले शेप पट्टी से आपने ये निशान लगाना है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ से ये गुलाई करनी है इस तरीके से, इस तरीके से आपने इसको गुलाई कर लेनी है, ये देखें। यहाँ आपने कुटका लगाना है इस तरीके से, फिर आपने ये फ्रंट की गुलाई फिर करनी है 1/4 इंच, ये देखें इस तरीके से। ये आस्तीनें कट चुकी हैं, अब आपको फ्रंट और बैक के बारे में बता रहे हैं। ये जी, इसको आपने आस्तीनों को जैसे खींचा था इसको भी आपने ऐसे खींच लेना है इस तरीके से आपने। फिर इस पे भी आपने प्रेस लगानी है, ठीक है जी। अब हम ये प्रेस लगा रहे हैं, आप जो है ना ये देख सकते हैं इस तरीके से। आपने ये पूरे पीस को आपने इस्त्री ऐसे लगा लेनी है, ठीक है जी। पूरी वीडियो ध्यान से देखा करें, और हमने ट्राउज़र कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है वो भी आप देख लें। इस तरीके से जी आपने पूरे को, मैंने इस्त्री लगा ली है,
इस पे भी आपने ऐसे जी इस्त्री लगा लेनी है, इस तरीके से ये डबल फोल्ड कर लिया करीस बिठा के। अब आपने क्या करना है, फ्रंट को आपने ये गला बना हुआ है, ये आपकी करीस है, यहाँ पर आपने इस तरीके से पकड़ना है, ये सेंटर आपने इसका मिला लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसका सेंटर मिलाना है, इसको भी आपने ऐसे बिठा लेना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूमात मिलेगी। इतिहास से देखें, एक टेलर से आप अगर प्रॉपर एक महीना आप उसकी वीडियो देखते हैं तो आपको मालूमात मिलेगी। इस तरीके से आपने ये सारा कुछ ये ऐसे आपने मिलाना है। अब इसको हमने ये फ्रंट को और बैक को इस तरीके आपने रख लेना है, ये देखें ऐसे इस तरीके से ये करीस आपने बिठा लेनी है, फ्रंट और बैक को कट्ठे लगा, और ये सारे आपने ये फूल वूल मिला लेने इस तरीके से। ये देखें जी ऐसे, ये देखें इस तरीके से आपने लंबाई की बारी है, लंबाई हम रखने वाले यहाँ से ये दबाव है, यहाँ पैपिंग लगाई जाएगी और लंबाई है इसकी 39 इंच। आप अपने हिसाब से रखेंगे, 40 रखें, 42 रखें, और आपने जितनी लंबाई हो उससे आपने आधा इंच वाफे रखना होता है, ठीक है। 39 लंबाई है इसकी, और यहाँ से हमने ये कमर रखनी है 15.5 इंच पे, ठीक है जी, ये कमर हो गई, और यहाँ से ये रखना है हमने 7.5 इंच पे, ठीक है जी। अब यहाँ से रखना है साइड चौक हमने 12.5 इंच के, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये शेप पट्टी से ये निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ये देखें, ठीक है जी, ये निशान अब हो गए सीधे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से 15 इंच पे मैंने रख लिया है शोल्डर, और यहाँ से भी 15 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ से हमने ये 1.25 इंच नीचे गिरा के इसको गुलाई दे देनी है इस तरीके से। यहाँ से आपने ये देखें, ये थोड़ा सा गिरा देना है, एक गुजरन यहाँ से जी। चेस्ट हमने रखना है 12.5 इंच, तो ये 12.5 इंच का निशान लगाना है, 12.5 इंच ये मतलब 24.5 इंच। तो यहाँ से ये कमर रखनी है हमने 12 इंच, ये देखें इस तरीके से, तो ये हो गई 24 इंच, और हिप्स रखने हमने 13 इंच, तो यहाँ से ये रखेंगे और डबल में 26 इंच हो गए। अब आपने दामन भी 26 इंच रखना है, 13 इंच। अब आपने क्या करना है, ये शेप पट्टी से आपने ये निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है जी, ये निशान लगाना है इस तरीके से आपने। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये दबाव रखना है इस तरीके से। मालूमात आपको मिल गई होगी, ये देख सकते हैं। अब मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से कटिंग करना है, ये देखें ऐसे इस तरीके से आपने इसको कटिंग करनी है। ये जो निशान लगाया आपने, इस निशान पे कटिंग करनी है। डेली आपको एक नेक गले की वीडियो मिलेगी। अब एक दिन मतलब एक दिन ट्राउज़र कटिंग, एक दिन नेक गला स्टिचिंग, और एक दिन आपको कुर्ती कटिंग की वीडियो मिलेगी। आपने ये सारी वीडियो ध्यान से देखनी है। ये कुटके लगा लेने, अब हम ये फ्रंट की छान उतारेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये समझ में आ गई होगी आपको वीडियो पूरी। ये जी आपको मैंने आस्तीनें काटना सिखाई हैं, ये देख सकते हैं, और ये मैंने आपको ये कुर्ती काटना पूरा सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ सिखाई है। तो आपने एस के दर्जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और चैनल को शेयर कर दें आगे। और आप को अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारे शहर का नाम